हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिजन विद आर एम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यूज विच वी हैव स्टार्टेड एंड दिस एमसीक्यूज विल भी हेल्पफुल फॉर बी कॉम बैफ बी एम एस एम कॉम एंड ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन तो अभी जो सेट का एग्जाम होने वाला है डिसम्बर मंथ में उसके लिए भी आप ये एमसीक्यूज को रेफर कर सकते हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो अकाउंटेंसी कॉस्टिंग टैक्सेशन रिलेटेड मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम सो दैट

तो वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि वहां से आप चेक कर लो तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है दैट इज ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स लॉज एज लोकल ऑथोरिटी कंपनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन तो इसका राइट right आंसर बनेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या बनेगा आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन अ पर्सन बाय हुम एनी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी एक्सेट्रा इज ड्यू इज नोन एज अ डिफॉल्टर अ रेसिडेंट अटीजन एंड अस ए तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा तो so, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं ऐसे पर्सन को हम कहते हैं असेसी और जो साल में वो उन उसका टैक्स भरता है वो ईयर होता है असेसमेंट ईयर और जो इनकम के ऊपर वो टैक्स भरता है और कौन से ईयर के इनकम के ऊपर वो टैक्स भरता है उसके प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और जिस ईयर में वो टैक्स पेमेंट करता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं सारे बेसिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं द इनकम अर्न बाय माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्ड तो सेक्शन टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्ट टैक्सेस के सेक्शन टेन और डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज कर लेना तो जो माइनर चाइल्ड है उसका इनकम कहाँ कितना एग्जेम्ट है थर्टीन हंड्रेड पर माइनर चाइल्ड टू थाउजेंड पर माइनर चाइल्ड फिफ्टीन हंड्रेड पर माइनर चाइल्ड या फुल्ली एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन टेन थर्टी टू तो माइनर चाइल्ड का जो इनकम है दैट इज एग्जेमट अंडर सेक्शन टेन थर्टी टू बट पूरा एक्ज नहीं है दैट इज एग्जैम्ट रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड पर माइनर चाइल्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं इनकम डीम टू बी एक्रीव और अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ इनकम डीम का मतलब होता है इनकम अज्यूम्ड इनकम डीम टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया मतलब इंडिया रिलेटेड है इंडिया में हुआ है तो मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते वक्त इंडिया रिलेटेड इनकम है इंडिया में एक्रीव हुआ है तो सभी लोगों के लिए टैक्सेबल मतलब आर ओ आर आर एनओ आर और एनआर तो इसका राइट right आंसर बनेगा ऑल असेसीज द मिनिमम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर एसओपी फॉर इंटरेस्ट ऑन बोर फंड एज पर सेक्शन ट्वेंटी फोर तो हमने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम वाली चीज देखी थी तो फर्स्ट अप्रैल नाइनटी नाइन के पहले का अगर लोन रहेगा तो लिमिट कुछ और है फर्स्ट अप्रैल नाइन्टी नाइन के बाद का लोन रहेगा तो लिमिट कुछ और है मैक्सिमम लिमिट जब आपको पूछते हैं तो लिमिट होती है टू लैक्स और मिनिमम लिमिट जब आपको पूछते हैं तो लिमिट होती है थर्टी थाउजेंड तो मिनिमम लिमिट कितनी है थर्टी थाउजेंड और मैक्सिमम लिमिट कितनी है इट्स टू लैक्स सिक्स पॉइंट द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी फॉर डिसेबिलिटी अबाउ एटी परसेंट तो अस्सी परसेंट से ऊपर अगर डिसेबल्ड रहा अस्से खुद तो कितना अमाउंट है और अस्सी से कम अगर डिसेबल्ड रहा तो कितना है दोनों चीजें बताता हूँ अगर 80 परसेंट से ज्यादा डिसेबल्ड है तो लिमिट है वन लाख ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट डिडक्शन और 80 परसेंट से अगर कम डिडक्शन कम अगर डिसेबिलिटी है तो अमाउंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पे क्या बोल रहा है एट्टी परसेंट से अबाव डिसेबिलिटी तो अमाउंट कितना रहेगा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आपको डिडक्शन मिलेगा चैप्टर सिक्स ए में इफ गिफ्ट इज रिस फ्रॉम मदर देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू रूपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड या फुली एग्जैम्ड तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था फ्रेंड के बारे में तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मदर तो अगर फादर मदर रिलेटिव ये आपको ध्यान रखना है फादर मदर रिलेटिव और मैंने आपको एक एब्रीवेशन दिया था आई एम डॉक्टर आई एम डॉक्टर आई से इनहेरिटेंस एम से मैरिज डी से डेथ और आर से रिलेटिव इनहेरिटेंस मैरिज डेथ और रिलेटिव चारों केस में अगर गिफ्ट मिलता है तो पूरा है एज पर सेक्शन 56 सिक्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट अगर गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड आया तो फिफ्टी थाउजेंड तक ही एग्जाम उसके ऊपर जाएगा तो पूरा टैक्सेबल यहाँ पे फादर मदर रिलेटिव की बात कर रहा है तो मदर का गिफ्ट कितना एग्जेम्ट होगा फुल्ली एग्जेम्ट होगा तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फुल्ली एग्जाम क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन टेन सेक्शन फोर या सेक्शन सिक्स तो रेसिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन ही सिक्स से शुरू होते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से सेक्शन में कवर है इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइन इनकम अर्न इन नेपाल एंड रिसीव्ड इन रशिया इज टैक्सेबल फॉर तो ऐसे केस में आपके सेक्शन सिक्स सेक्शन फाइव के स्कोप ऑफ टोटल इनकम के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो अगर नेपाल में इनकम मिला है मतलब फॉरेन कंट्री रशिया में उसको सेंड कर दिया मतलब फॉरेन कंट्री तो दोनों के दोनों फॉरेन कंट्रीज तो मैंने आपको बताया था कि फॉरेन कंट्री का इनकम है इंडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को टैक्सेबल होगा वो होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब आर ओ आर इट इज टैक्सेबल फॉर आर ओ आर Question number 10 Any additional benefit provided by employer to employee is called as salary, bonus. इंसेंटिव्स या परकविजिट्स तो सेक्शन सेवनटीन वन के अंदर सारे परकविजिट्स है सेवनटीन वन सेवनटीन टू एक प्रॉफिट्स इन ली ऑफ सैलरी और सेवनटीन टू में परक्विजिट्स कवर होते हैं तो जैसे कार फैसिलिटी है गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है जो भी घर का बिल है वो सारी चीज़ें या जो कार या टेलीफोन फैसिलिटी है ये सारे सारे जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है उसको हम टैक्स में क्या कहते हैं उसको हम टैक्स में कहते हैं Perquisites that is called as perquisites. Perquisites is nothing but additional benefit provided by employer to employee. That's it फ्रॉम दिस सेशन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें सो तो दैट उसके में आपको आंसर्स कमेंट में देने का ट्राई करूंगा अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब कर ले अभी और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें उनको भी इससे बेनिफिट मिलना चाहिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर